एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा जमीनी मामलों के निस्तारण के लिए बनाए गए पहल योजना के बाद लॉकडाउन में लोगों के घरों तक पोर्टल के माध्यम से खाद्यान्न पहुंचाने की योजना के बाद नई सोच एक बार फिर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में कारगर साबित होगी। गोरखपुर मॉडल की तर्ज पर एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने अब चिकित्सीय सेवा के लिए हाईटेक फार्मूला तैयार किया है, जिसके तहत अब टेली ओपीडी भी शुरू किया गया, जिसमें लोगों को इलाज में सहूलियत मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि बंगलुरु की कंपनी के सहयोग से इस फार्मूले को तैयार किया गया है। इससे मरीज घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन कराकर चिकित्सक को चुनने के बाद उससे सलाह और दवाइयां ले सकेगा। उसे चिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता होगी तो उन्हें सटीक टाइम बताया जाएगा, जिस समय जाकर वो चिकित्सक से परामर्श और इलाज कर सकेंगे। इससे सोशल डिस्टेंसिंग को काफ़ी हद तक मेंटेन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ये देश का पहला ऑनलाइन टेली ओपीडी होगा। 2017 बैच के आईएएस एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि बंगलुरु की कंपनी यूनिव सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से इस सॉफ्टवेयर को तैयार करवाया गया है, जिसके तहत वेबसाइट, ईमेल तथा मोबाइल नंबर 9019740509 पर संपर्क कराकर कोई भी अपना पंजीकरण कराकर जिस सरकारी और निजी चिकित्सक से सलाह लेना चाहता है ले सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, देखिए हम जैसे कमीशन सर के निर्देशन में जो कि ओपीडी जब स्टार्ट होने होंगी तो हम चाहते हैं कि ओपीडी पे अनावश्यक तौर पर भीड़ इकट्ठा ना हो और जो संक्रमण का खतरा है उसको हम कैसे डालें, तो क्या हम ऐसे सलूशन दें लोगों को जो कि उनको घर से कम निकलें और घर बैठे ही उनको सब सुविधा मिल जाएं। इसी संदर्भ में हमने पिछले कई दिनों से इस पर हम काम किया जा रहा था। पिछले 2 महीने से हम एक सलूशन पर हम काम कर रहे थे जो कि बना है कि www.docforyou.co, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे अब चिकित्सक के परामर्श ले सकता है, डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी से अपने टेस्ट करा सकता है और दवाइयों भी उसको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ इसमें आयुष, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और अन्य जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मेडिसिन उसकी भी सुविधा दी जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कोरोना के काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक का सहारा लिया जा रहा है। तो एक ऑथेंटिक हमारे गवर्नमेंट के जो ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं उनके साथ संवाद कर सकें, उनके द्वारा एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनको घर बैठे सारी सुविधाएं मिल सकें, उसको भी हमने सम्मिलित कर रहे हैं। इस सोल्यूशन में, इस पोर्टल में हम प्राइवेट के साथ साथ सरकारी सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल सभी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को जहाँ पे भी दिखाना है, चाहे वो सरकारी में दिखाना चाहता हो चाहे वो प्राइवेट में दिखाना चाहता हो, सभी डॉक्टर्स को दिखा सकता है। इसके साथ साथ दिखाने के साथ साथ पैथोलॉजी सेंटर्स, फार्मेसी और आयुष, इसकी भी सुविधा इसमें मिलेगी। घर बैठ के ही आप इसकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जो घंटों घंटों लाइन लगा के ओपीडी में खड़ा कर रहते हैं, दो दो तीन तीन चार चार घंटे में नंबर आता है, उस सबको हटाने के लिए हमने अपॉइंटमेंट की शुरुआत की है। जैसे रिजर्वेशन होते हैं तो पहले से ही मरीज को पता रहेगा कि उनको किस टाइम पे आना है, कितने बजे आना है और किस तारीख को आना है। तो इससे क्या होगा कि जो अनावश्यक भीड़ जुट रही है ओपीडी में वो कम हो जाएगी
जुटने की संभावना है वो कम हो जाएगी और सहूलियत डॉक्टर्स को भी रहेगी, पेशेंट को भी रहेगी और हम लोगों को भी रहेगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि संक्रमण का ये खतरा अस्पतालों में होने वाली भीड़ से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो हम अस्पतालों की भीड़ को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, फॉलोअप केसेस जो आते हैं उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसी संदर्भ में इस तरीके की मीटिंग हुई थी। कमिश्नर सर के मार्गदर्शन में चारों जिलों में इस तरीके की शुरुआत की जा रही है, प्रेजेंटेशन भी सर के सामने हुआ है, डीएम सर के सामने प्रेजेंटेशन हुआ है, तो अब ये सेवा भी शुरुआत हो चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिनको वेबसाइट ऐप वो कर सकते हैं, इसके अलावा फ़ोन के माध्यम से भी इस पर संपर्क किया जा सकता है। एक नंबर है 9019740509, फिर से बोलता हूँ 9019740509, इस पर भी आप कॉल करके अपनी कोई भी सुविधा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मोबाइल के जरिए भी इसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं, जिसके पास अगर नेट भी नहीं है, इंटरनेट की कनेक्शन नहीं है, तो वो भी व्यक्ति इससे सुविधा प्राप्त कर सकता है। तहसील सदर गोरखपुर फेसबुक पेज के माध्यम से भी हमने इसको लिंक किया है, हमारे ट्विटर पर भी दिया है, तो तहसील सदर गोरखपुर फेसबुक पेज में भी हमने इसके बारे में बताया है, इसका वीडियो भी आया है, तो धीरे धीरे काफ़ी लोग जिससे जुड़ रहे हैं, काफ़ी पेशेंट की इंक्वायरी भी आ रही है, अब तक लगभग 400-500 लोगों की इंक्वायरी आ चुकी है। तो ये एक बड़ा अच्छा मील का पत्थर साबित होगा, जिस तरीके से जो हमने इस तरीके का जो जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं कि लोग कम से कम बाहर निकलें और लोगों को हर घर बैठ के ही सारी सुविधाएं मिल जाएं। तो डॉक फॉर यू, हमने एक बेंगलोर की कंपनी है रोबोनिक्स AI प्राइवेट लिमिटेड, उसके तहत हमने इसको बनवाया है, उन लोगों ने हमारे लिए काम किया है, गोरखपुर में इसको शुरुआत की जा रही है। इस तरीके का एक बड़ा अभिनव प्रयोग है जो कमिश्नर सर के मार्गदर्शन में, DM सर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।